अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज रमजान अल मुबारक का 13वां रोजा है। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेकियों को कबूल करे, गिरा और सगीरा गुनाहों को बख्श दे। जो दोस्त हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह इकरार और हसन ने वादा किया था कि आज रिवायात पहुंचेगी, तो वो आज रिवायात इस वक्त पहुंच चुके हैं और अवाम का बड़ा हजूम भी इस वक्त इकरार और हसन के हमरा है। अवाम की जानिब से बड़ी सपोर्ट की जा रही है इकरार और हसन को। आज फराडिया हक खतीब के अड्डे पर जाएंगे, जहां पर बड़ी अवाम के साथ इकरार और हसन जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब इकरार और हसन गए थे तो वो अकेले अपने टीम के हमरा गए थे और वहां पर उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अड्डे के ऊपर जो उसके हामी थे, जो उसके चेले थे हक खतीब फराडिया के, वो काफी तादाद में मौजूद थे, जिसमें इकरार और हसन को वहां पर धमकाया गया, वहां पे प्रेशराइज किया गया, जिस वजह से ना कोई वीडियो बन सकी, ना कोई प्रॉपर काम हो सका है। आज जो ना हक और सच का जो ना वो बोलबाला होने वाला है। इस वक्त इकरार और हसन के साथ बड़ी तादाद के अंदर अवाम भी है और लोग भी हैं, और मीडिया की भी बड़ी तादाद इकरार और हसन के साथ है। कुछ ही देर के अंदर इकरार और हसन जो ना मीडिया से खिताब करने के बाद वो हक खतीब के अड्डे पे पहुंचेंगे। इस दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी सुने और देखें, और वीडियो को शेयर और कमेंट्स लाजमी कर दीजिए।